दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज स्विस पे। तो आइए देखते हैं क्या था इम्पोर्टेंट आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम से रिलेटेड। साथ में डिस्कस करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री, सम फैक्ट्स अबाउट बिहार, क्विक रिवीजन करेंगे हम लोगों ने जो आज पढ़ा है उसका, आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस देखेंगे। इसमें अभी आज हम फेस्टिवल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इन बिहार, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो द टॉप हेडलाइंस फर्स्ट, collaboration of AIIMS and IIT Patna to improve health services. First successful liver cancer operation conducted in IGIMS Patna. तो ये जो दो important news थे आज के paper में, ये health services से related important news हैं। और जो mains में question आएगा health services, health topic पे अगर कोई question आता है mains में, तो ये आपको benefit करेगा। ये points अगर आप डालते हैं आपके answer को, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देगा, ये मार्क्स फेचिंग बना देगा। सो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो कोलैबोरेशन ऑफ एम्स एंड आईआईटी पटना टू इंप्रूव हेल्थ सर्विसेज, अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन आईआईटी पटना एंड एम्स टू वर्क ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ स्टेट। दिस विल एड एन एज टू रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ सेक्टर। बोथ इंस्टीट्यूशंस विल वर्क ऑन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट्स। तो देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके बीच, आईआईटी पटना और एम्स के बीच। इनका काम क्या है, ये रिसर्च और डेवलपमेंट जो होता है हेल्थ सर्विसेज ऑफ स्टेट में, उसमें ये हेल्प करेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है जो हेल्थ एंड हेल्थ सेक्टर को चाहिए, उसमें ये थोड़ा एडिशन कर देगा, हेल्प कर देगा ये जो इनका रिसर्च और डेवलपमेंट होगा। फिर इसके वजह से जो ये एमओयू होगा आईआईटी पटना और एम्स के बीच में, इसके वजह से क्या होगा कि हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ जो पेशेंट हैं, हेल्थ स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्याएं हैं पेशेंट्स की, वो भी डिक्लाइन करेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो एम्स और आईआईटी ने लिया है। अब क्या करेगा, तो इसी स्टेप में क्या होगा कि आईआईटी जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, ये जो एम्स है वो हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। तो ये अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इसको, कि अगर कोई हार्डवेयर बनवाना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन चाहिए एम्स को पेशेंट्स को देखने के लिए, उनके लिए कुछ नया इनोवेशन चाहिए, तो ये आईआईटी पटना करेगी। जैसे कि एम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, पेशेंट जो आते हैं क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आईआईटी पटना उसको टेक्नोलॉजिकली हेल्प करेगी, इसलिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो ये सब जो पॉइंट्स होता है, ये प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि बिहार में अभी रिसेंटली क्या क्या स्टेप लिया गया है, हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है, क्या फेलियर्स हैं और क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स दे सकते हैं। सो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट न्यूज इज फर्स्ट सक्सेसफुल लिवर कैंसर ऑपरेशन कंडक्टेड इन IGIMS पटना। प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख, बट IGIMS चार्जेस ओनली 80,000। तो अभी क्या हुआ है कि पहला, अभी बिहार का सबसे पहला फर्स्ट सक्सेसफुल लीवर कैंसर ऑपरेशन किया गया है IGIMS पटना में। तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए ये पहली बार हुआ है, बहुत मेहनत के बाद हुआ है, बहुत मेहनत के बाद सक्सेसफुली इसको कर लिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जो उनको लीवर कैंसर का प्रॉब्लम हो जाता है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने स्टेट में ये पॉसिबल हो गया है। और क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ये था अगर भी, तो ये बहुत कॉस्टली था, 3 लाख रुपीज़, और कहाँ IGIMS 80,000 ही चार्ज कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है इसमें ये बहुत कम पैसे पे हो रहा है, तो ये जो आम जनता है उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है, अच्छा चीज़ है कि ये सक्सेसफुली, ये लोग डॉक्टर जो है यहाँ के वो इसको सक्सेसफुली कर पाए, तो ये भी अच्छा पॉजिटिव चीज़ हुआ है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, दिस डे इन हिस्ट्री। अच्छा, तो आज के दिन क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो थे, बापू जो थे, हमारे जो हमारा इंडिया है उसके जो उसको जो बनाया है, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करवाया इन्होंने, चंपारण सत्याग्रह सब जो काम किया था, उनका डेथ हो गया था 30 जनवरी 1948 में।
तो ये याद रखेंगे। और महात्मा गांधी पे तो अच्छे से, क्योंकि ये सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, तो इसके इससे रिलेटेड अच्छे से मेंस में कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है। जैसे अभी क्वेश्चन भी आ गया था, सोशल एंड कल्चरल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, 63rd वाले मेंस में आया है, तो इसीलिए इसके वजह महात्मा गांधी एक अच्छे से टॉपिक कवर करा जाएगा मेंस में। आपको कैसे आंसर लिखना है, कल्चरल थॉट्स क्या थे इनके, पॉलिटिकल थॉट्स क्या थे, इकोनॉमिकल और सोशल कुछ भी था, वो सब कुछ को अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके एक स्लाइड डालेंगे हम अपने चैनल पे, तो आप देखते रहिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, महात्मा गांधी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट, सम फैक्ट्स ऑफ बिहार, इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें हरियाणा डायनेस्टी है, तो पहले किंग थे बिंबिसार, उनके बेटे आए थे अजात शत्रु, और अजात शत्रु के बाद आए हैं उदयन। ठीक है, उदयन ने फिर मगध को रूल किया, एंड ही इज नोन फॉर लेइंग फाउंडेशन ऑफ सिटी पाटलिपुत्र एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन रिवर, सोन एंड गंगेज। ठीक है, तो इन्होंने ही पाटलिपुत्र सिटी का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, और इनके वजह से, जैसे हमने देखा कि बिंबिसार के टाइम में और अजात शत्रु के टाइम में कैपिटल हो रहा था, राजगिरी हो रहा था, जिसको राजगिर बोला जाता है आज के टाइम में, तो उसका कैपिटल को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि उदयन के टाइम में मगध का कैपिटल क्या था, तो पाटलिपुत्र था। फिर उसके बाद ही वॉज सक्सीडेड, यहाँ पे ये वॉज है, ही वॉज सक्सीडेड बाय अनुरुद्ध, मुंडा और नागदशक रिस्पेक्टिवली, हु ऑल वेयर वीक। तो ये सब जो किंग थे, अनुरुद्ध थे, मुंड थे और नागदशक जो थे, ये उदयन के बाद बहुत वीक किंग थे, तो इसकी वजह से नागदशक। अच्छा, नेक्स्ट में देख लेंगे हम लोग कि कैसे हरियाणक डायनेस्टी फिर कैसे खत्म हुआ, नागदशक कैसे किंग थे, क्या इन्होंने किया, ये देख लेंगे। फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है कि अजात शत्रु के बाद उदयन आए, इन्होंने फाउंडेशन रखा पाटलिपुत्र का, फिर उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया राजगीर से पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, अच्छा अब रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में है कि असैसिनेशन कब हुआ है महात्मा गांधी का, अजात शत्रु को कौन सक्सीड किया था, और वो जो थे उदयन जो थे जिन्होंने सक्सीड किया था, उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ से कहाँ चेंज कर लिया था, उन्होंने राजगीर से अपना कैपिटल पाटलिपुत्र कर लिया था। तो यही है इसका आंसर, 30 जनवरी 1948, अजात शत्रु वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन उदयन, ही शिफ्टेड कैपिटल राजगीर टू पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर एट ग्लांस में, ओके आज देखते हैं छठ पूजा। छठ इज एंशियंट हिंदू फेस्टिवल दैट इज मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया एंड मध्य ईस्ट रीजन ऑफ नेपाल। सन इज द गॉड हु इज वर्शिप्ड इन दिस पूजा। इन छठ पूजा आइडल इज नॉट वर्शिप बट सन इज इट सेल्फ प्रेड इन इवनिंग एंड मॉर्निंग ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज रिस्पेक्टिवली। यूजली इट इज ऑब्जर्व फॉर 3 डेज दैट बिगिन्स विथ नहाका एंड एंड्स विथ परना। जनरली फीमेल कीप्स फास्ट ऑन छठ, दे टेक अ होली बाथ एंड ऑल्सो अवॉइड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। अदर्स इन फैमिली ऑल्सो ऑफर्स अर्घ टू सेटिंग एंड राइजिंग सन। द वर्शिपर्स आर कॉल्ड पवनैतिन इन रीजनल लैंग्वेज। मेल्स ऑल्सो कीप फास्ट ऑन छठ। तो देखिए, छठ जो है ये पूजा बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश और मध्य ईस्ट रीजन ऑफ नेपाल में भी देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सन गॉड को साक्षात उनका पूजा करते हैं। हाँ, तो ये जो पूजा होता है इसमें क्या होता है कि सन जो गॉड है उनका साक्षात पूजा होता है। सन को तो देखते ही हैं, सनराइज में देखते हैं, सनसेट में देखते हैं, तो वही चीज़ उसमें साक्षात पूजा होता है। और क्या होता है कि इसमें कोई आइडल नहीं बनाया जाता है, मूर्ति नहीं बनाया जाता है जिसको पूजा करेंगे। फिर क्या होता है कि जब सन इवनिंग में डूबता है, सनसेट होता है, और मॉर्निंग में सनराइज होता है, तो उसको पूजा करते हैं मेनली इस पूजा में। और ये 3 दिन का प्रोग्राम, 3 दिन का पूजा होता है, जिसमें से फर्स्ट डे नहाखा होता है और जो लास्ट डे होता है उसको पारन कहा जाता है। इसमें और क्या है कि फीमेल, जनरली फीमेल लोग जो है छठ का पूजा करती है, और उसके बाद वो लोग होली बाद पानी जो रिवर होता है, रिवर या पॉन्ड होता है आसपास के गांव में, तो वो लोग वहां जाती हैं, या फिर अब तो मॉडर्नाइज हो गया है, सब अपने छत पे ही पानी को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और छठ छठ मना लेते हैं। और फिर क्या होता है कि इसमें
कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी अर्घ देते हैं, मतलब सूरज को पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, और जो पूजा करते हैं उनको पवनैतिन कहा जाता है फीमेल को। और हाँ, इसको मेल भी पूजा, ये पूजा मेल भी करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पूजा अपना बिहार का है, एक पूजा है तो ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट फर्स्ट इन बिहार देख लेते हैं। तो फर्स्ट इन बिहार जो है वो फर्स्ट ऑनलाइन पंचायत कहाँ बना था, तो वो बना था भवानीपुर योगा पट्टी वेस्ट चंपारण जगह पे। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज जो है वो कोठिया समस्तीपुर 2006 में बना था। फिर फर्स्ट ई सर्विस सेंटर जो देना देना चालू हुआ वो है पानापुर, दानापुर में एक जगह है पानापुर, 29 अगस्त 2008 से ये स्टार्ट हुआ। तो ये सब जो अभी सब कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूज आ रहा है, ई सर्विस सब देते हैं, इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे और अपने आंसर में ये सबको डालेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग अस एंड अपडेटिंग योर सेल्फ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।